हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे JW मैरियट कोलकाता, वन ऑफ द मोस्ट लग्जरियस होटल इन कोलकाता। सो गाइस, बाहर से ये प्रॉपर्टी कुछ इस तरह से दिखता है। बड़े बड़े ट्रीज है, यहाँ पे एक सुंदर सा फाउंटेन है। और ये देखिए आप, ये रहा JW मैरियट का बिल्डिंग। ऊपर आप देख सकते हैं JW मैरियट का लोगो। बाहर से भी ये प्रॉपर्टी बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव है, लेकिन चलिए अभी हम चलते हैं अंदर। तो अंदर जाते ही आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, और ये है यहाँ का लॉबी एरिया। यहाँ का इंटीरियर बहुत ही शानदार है और आपको एक लग्जूरियस फील देगा जैसे ही आप अंदर आते हैं। यहाँ पर एक ओपन रेस्टोरेंट है जहाँ पर आप बैठ के चिल कर सकते हैं। हर चीज़ यहाँ पर आपको नीट एंड क्लीन और परफेक्शन के साथ ही दिखेगा। यहाँ के फर्नीचर्स हो या डेकोरेशंस, हर चीज़ में आपको एक क्लासी मॉडर्न लुक देखने को मिलता है। तो गाइस, चलिए अभी हम चलते हैं यहाँ का जो ऊपर का फ्लोर है उसे एक्सप्लोर करने। एज यू कैन सी गाइस, एवरीथिंग अबाउट दिस होटल इज सो परफेक्ट। आप इसे 10/10 दे सकते हैं। यहाँ पे साइड्स में आप देख सकते हैं बड़े बड़े लैंप्स लगे हुए हैं, और जो वॉल में आर्ट पीसेस है, इट्स सो ब्यूटिफुल। एंड लुक एट दिस ग्लास वॉल, यहाँ से आप बाहर का व्यू देख सकते हैं। आई मस्ट से कि ये बाहर से जितना इम्प्रेसिव है, अंदर से और भी ज़्यादा इम्प्रेसिव है। तो ये है विंटेज एशिया। इस होटल में काफ़ी सारे रेस्टोरेंट हैं और ये उनमें से एक है। तो इस फ्लोर में बेसिकली आपको कॉन्फ्रेंस रूम, रेस्टोरेंट, मीटिंग हॉल
ये सब देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अभी हम चलते हैं नीचे। तो गाइस अभी हम आ गए हैं वापस नीचे जहाँ पे लॉबी है, और यहाँ से हम लिफ्ट लेके अपने रूम तक जाएंगे जो कि 20th फ्लोर पे है। एंड लुक एट दिस आर्ट पीस अगेन। यहाँ के वॉल्स पे आपको इस तरह का ब्यूटीफुल यूनिक आर्ट पीसेस देखने को मिल जाएगा। सो गाइस अभी हम पहुंच गए हैं अपने रूम की तरफ। तो चलिए अभी हम अपने रूम के अंदर जाके आपको दिखाते हैं। अभी हम आ गए हैं रूम के अंदर, और यहाँ पर की इंसर्ट नहीं करना पड़ता आपको क्योंकि सब कुछ ऑटोमेटिक है। तो यहाँ पर एक ब्लैक स्क्रीन है जहाँ पर टेम्परेचर दिखाया जा रहा है 22 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर एक ब्लैक एंड वाइट पिक्चर है जो कि शायद ओल्ड कोलकाता का कोई फोटोग्राफ होगा। एंड दिस इज़ द रूम गाइस। चलिए यहाँ से व्यू बहुत ही सुंदर आता है, तो मैं आपको सीधा पहले व्यू दिखाता हूँ यहाँ से। एज यू कैन सी गाइस, आपको सिटी व्यू मिलता है जो कि बहुत ही सुंदर है। एंड जो आप यहाँ पर ये बिल्डिंग देख सकते हैं वो है ITC रॉयल बेंगल कोलकाता। ये एक नेबर होटल है जिसका वीडियो भी आने वाला है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड दिस इज़ द बेड जो कि बहुत ही कंफर्टेबल है। और यहाँ पर साइड लैंप्स है, और नीचे टच स्क्रीन जहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं लाइट्स, और एक बड़ा सा LCD TV है। और यहाँ पर भी एक ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो फ्रेम है, नीचे टेबल लैम्प, और ये एक टेबल चेयर, और यहाँ पर एक और सोफ़ा भी है साथ में टेबल, और ये रहा एक लैम्प। इस रूम का लुक काफ़ी कंटेम्प्रेरी है और ज़्यादा कलरफुल नहीं है, कलर को बहुत ही मेंटेन किया गया है, ब्लैक वाइट ब्राउन बीज कुछ इस तरह से है जो कि बहुत ही क्लासी लुक देता है। नाउ लेट मी शो यू द वॉशरूम। और वॉशरूम में एंटर करते ही आपको ये बड़ा सा मिरर दिखेगा विच आई लव्ड, बहुत ही सुंदर लगता है। साइड में लैम्प्स भी है। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर शावर एरिया जहाँ पर बाथटब तो है, और साथ में यहाँ पर शावर भी है। और यहाँ पर कुछ शैम्पू, कंडीशनर और शावर जेल। तो गाइस ये जो बाथटब के पास जो ये ब्लाइंड्स है ये ऑटोमेटिक है, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अगर आप इस ब्लाइंड को हटाना चाहते हैं तो ये जो ब्लैक स्क्रीन है आपको बस यहाँ पर जो रोलर ब्लाइंड है तो उसे हटाने के लिए आपको बस यहाँ पर टैप करना है। यहाँ पर अप लिखा हुआ है तो उसे टैप करना है। और टैप करते ही कुछ इस तरह से ब्लाइंड्स अपने आप ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएगा।
एंड लुक एट दिस व्यू गाइस, इट्स द सेम व्यू फ्रॉम द रूम, और अभी आप वही व्यू बाथटब में बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर प्राइवेसी पसंद है तो आप इसे ऑफ कर सकते हैं, ब्लाइंड्स को फिर से डाउन कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम इसे डाउन करते हैं। इट्स एक्चुअली वेरी फन एंड आई फील लाइक ए किड जिसे खेलने के लिए कुछ टॉय मिल गया है। तो वॉशरूम से निकल के अभी हम आ गए हैं एंड लुक इन दिस मिरर गाइस, इट्स सो बिग। ये एक्चुअली कबर्ड है यहाँ का, तो लेट्स ओपन। और यहाँ पर एक लॉकर है जिसमें आप अपने इम्पोर्टेंट कुछ सामान लॉक करके रख सकते हैं। और नीचे ड्रॉयर्स है जो कि ऑब्वियसली एम्प्टी है। और यहाँ पर JW Marriott का स्लीपर और ये ब्यूटीफुल बाथरोब विथ लोगो ऑफ द JW Marriott। इट्स वेरी कंफर्टेबल, मैंने यूज़ किया है एंड इट्स बेस्ट। और यहाँ पर हमें कुछ टी कप्स और टी बैग्स यहाँ पर है। और ये है मिनी फ्रिज, मिनी बार, जहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स है। ये देख सकते हैं आप, दिस इज शिकंजी। और काफ़ी सारे कोल्ड ड्रिंक्स हैं यहाँ पे। तो ये रूम आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन पे बताइए। और वीडियो अगर अच्छा लगा आपको तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस। Do you allow me to take the food over there? Yes. जी। तो गाइस हमने यहाँ पे इन रूम डाइनिंग ऑर्डर किया था और हमारा खाना आ चुका है अभी। और मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ का सर्विस बहुत ही अच्छा है और फूड प्रेजेंटेशन तो लाजवाब। जैसे कि आप देख ही सकते हैं, द फूड लुक्स सो ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे हमने ऑर्डर किया है, ये है लैम चॉप्स विथ ग्रीन वेजिटेबल्स है साइड में। इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। और यहाँ पे कुछ नट्स और स्पाइसेस है। और ये है सैलड जो कि सब आता है, एक ये थाई करी के साथ ये सब कुछ है। और यहाँ पे है फ्राइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टेस्ट करते हैं इस अमेजिंग लुकिंग फूड को। आई मस्ट से कि जितना सुंदर प्रेजेंटेशन है खाने का, उससे ज़्यादा अच्छा इसका टेस्ट है। इट्स डिलीशियस, द मीट इज़ टेंडर, जूसी, बहुत ही टेस्टी है। और ये जो थाई करी हमने ऑर्डर किया था, इट्स फुल ऑफ फ्लेवर, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो मुझे यहाँ का खाना बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो गाइस चलिए अभी हम चलते हैं यहाँ के फिटनेस एरिया एक्सप्लोर करने के लिए। स्पा, जिम, सोना, स्टीम, सब कुछ एक ही फ्लोर में है। तो चलिए पहले हम देखते हैं यहाँ का जिम। एंड लुक एट दिस जिम गाइस, ये जिम बहुत ही बड़ा है। यहाँ पर हर तरह के इक्विपमेंट्स आपको मिल जाएगा, जो भी आपको चाहिए, जो भी एक प्रॉपर जिम में होता है, तो यहाँ पर वो सब कुछ मौजूद है। फिटनेस लवर्स के लिए ये एक परफेक्ट जिम कह सकते हैं आप।
सो गाइस, ये है यहाँ का लॉकर रूम। अगर आप सोना स्टीम जाना चाहते हैं तो अपने कपड़े और अपने पर्स वगैरह आप यहाँ पे लॉकर रूम में रख सकते हैं जाने से पहले, और यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। सो गाइस, ये है यहाँ का सोना। काफ़ी डार्क है यहाँ पे, अभी सिर्फ एक छोटा सा बल्ब जल रहा है अंदर, और बहुत ही ज़्यादा गर्म है। और इसके साइड में ही है स्टीम रूम भी, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का स्टीम रूम। एंड दिस इज़ द स्टीम रूम गाइस। आप यहाँ पर बाहर में टेम्परेचर सेट करके जा सकते हैं अंदर, और ये भी काफ़ी गर्म है पहले से ही। तो गाइस, चलिए अभी हम यहाँ से निकल के चलते हैं पूल एरिया में, जो कि इस होटल का एक्चुअली बैक साइड में है। सो गाइस, दिस इज़ द पूल हियर, लेकिन अभी फ़िलहाल ये ऑपरेशनल नहीं है क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा था। लेकिन पूल साइड में आपको यहाँ पर बैठने के लिए काफ़ी सारे चेयर्स मिल जाएंगे। तो गाइस, पूल साइड में यहाँ पर एक छोटा सा बार भी है जहाँ से आप ड्रिंक्स ऑर्डर कर सकते हैं और यहाँ पर बैठ के आप चिल कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा टाइम आप यहाँ पर स्पेंड कर सकते हैं। सो दैट वाज द वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।